देखिए, तो आज हम बनाएंगे चने आलू की सब्जी। तो चने आलू की सब्जी के लिए देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ही प्याज मैंने ले रखी है, क्योंकि प्याज से अच्छी बनेगी। और मैंने देख सकते हैं, मैंने चने के भी धो लिए ये, और मैंने आलू धो के काट ली हूँ और उसको फ्रेश कर ली हूँ। मैंने 5 से 6-7 तक लो, मैंने जितना हमको लगे। तो मैं हरी मिर्ची ले ली हूँ, लहसुन ले ली हूँ, अब इसे मैं प्याज को मैं अब कट कर लूँगी अपने तरीके से। और 2 मैंने टमाटर ली हूँ, अब चलते हैं इसको प्याज को काट लेने। तो देख सकते हैं मैं प्याज काट रही हूँ, और सभी को इसी प्रकार मैं सभी को प्याज काट लूँगी। तो देखिए, मैंने तड़के के लिए 2 तेज़पत्ता, जीरा और मेथी ली हूँ, जो मेथी के स्वाद आती है तड़के के लिए, बहुत टेस्टफुल आती है। तो देख सकते हैं, मैंने तेल गरम कर लिया है, अब मैं तेज़पत्ता को ऐड कर दी हूँ। उसमें मैं मेथी और जीरा तड़के के लिए डाल दी हूँ। इसे हम जलने दे रहे सुनहरा होने तक। तो देख सकते हैं मेरा तड़का जल गया है, अब मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर ली और चना भी ऐड कर ले रही हूँ। चना में करी चना को डाल दी है, आलू पनीर में ऐड कर ली। देखिए, हम थोड़ा भुना हुआ चना को निकाल लेंगे, क्योंकि इसका पेस्ट बनाएंगे। भुजा हुआ चना का पेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी। तो हम सब इसका ग्रेवी बनाएंगे, और ग्रेवी बना के तब इसमें ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं, मैंने निकाल ली है, लाली मिर्च मैं हटा लूँगी। अब मैं इसके ग्रेवी बनाऊँगी, मिक्सर में डाल के इसके पीस लूँगी। अब कुछ लहसुन का भी कलिया ले रखी हूँ, जो इसे भी मैं मिक्सर के जार में से पेस्ट बना लूँगी। देख सकते हैं कि मैंने टमाटर को भी कट कर ली हूँ, अब मैं टमाटर को ऐड कर लेती हूँ इसमें। बिल्कुल सब्जी अच्छी तरह से भुन गई है, मैं नमक को भी ऐड कर दे रही हूँ। स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दे रही हूँ इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी मसाला। तो मसाला में देख सकते हैं, मैंने काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को मैं थोड़ा ऐड कर ली हूँ। अब मैं डालूँगी 1 मैगी मसाला स्वाद के लिए, थोड़ा समय थोड़ा मैं पानी को ऐड कर लूँगी, मसाला ना जले और अच्छी तरह से ये मिल जाए। अब देख सकते हैं, मैंने ग्रेवी बना ली हूँ, इसमें ऐड कर लूंगी।
क्योंकि इसमें का जो चना है ये पहले से भुना चुका है, तो इसमें अब मैं पानी को ऐड कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें पानी को ऐड कर दिया। अब मैं इसमें अब इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी है ये। अब हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे। तो देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। तो प्लीज आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रेवी वाली सब्जी टेस्टफुल, चावल में भी खा सकते हैं, रोटी में भी खा सकते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए मैंने सब्जी बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह आप बनाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत टेस्टफुल सब्जी है। आप चावल में भात, चावल में रोटी में जो चीज़ में खाना है खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है सब्जी। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।